यूनिट पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिजाइन, सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। आज का टॉपिक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है एक डिजाइन कंसिडरेशन है। जब हम लोग किसी चीज का डिजाइन करते रहते हैं तो ये एक मेजर जो है सो बहुत बड़ा चीज है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिजाइन करते वक्त किसी भी मशीन एलिमेंट्स या मशीन का डिजाइन करते वक्त तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक रेशियो है मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि एक मशीन एलिमेंट का स्ट्रेंथ हो सकता है, फेल्योर होने से पहले जिसको वो झेल सकता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस हुआ, और उसका जो है वो रेशियो है किसके साथ वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस, जितना पे उसको वर्क करना, जितना लोड पे वो वर्क करना है उस मशीन को, वो इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे फैक्टर ऑफ। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो जितना आप मैक्सिमम खा सकते हैं और जितना आप रोज खाते हैं ये जो रेशियो है ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मशीन एलिमेंट का जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो एक जो मटेरियल उसमें यूज करते हैं वो मटेरियल मैक्सिमम जितना टॉलरेट कर सकता है, जितना स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है मैक्सिमम, और एक हुआ उसका कि डिजाइन या वर्किंग स्ट्रेस जो उसको डेली उतना लोड से गुजरना है, तो इस दोनों के रेशियो को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो जहां पे लोड का अनसर्टेनिटी है, जहां पे लोड का अनसर्टेनिटी है, मटेरियल के प्रॉपर्टीज का अनसर्टेनिटी है जिसे हम मैन्युफैक्चर किए हैं, तो वहां पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे रिस्क ज्यादा है, जहां पे रिस्क ज्यादा है फेल्योर होने का वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लेते हैं। और जहां पे हमको सब कुछ क्लियर है कि फेल अगर होगा तो किस कारण से हो सकता है, या मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में या उसके रिलायबिलिटी के बारे में हमें क्लियरेंस है, वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कम रखते हैं। इन अदर वे में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां पे रिस्क कम है फेल होने का वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं, और जहां पे रिस्क ज्यादा है और रिस्क वैसा रिस्क है जहां पे हमें कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है इसके साथ भविष्य में, तो उस केस में जो है तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मटेरियल से हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लेते हैं, यहाँ पे रिस्क अधिक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो चीज आपको क्लियर हो गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस का रेशियो है, ठीक है। अब दो टाइप का मटेरियल को हम लोग देखे हैं, एक डक्टाइल और एक ब्रिटल। डक्टाइल मटेरियल क्या है कि जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, फेल्योर होने से पहले क्या होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसका इलॉन्गेशन या चेंज इन शेप एंड साइज डायमेंशन में चेंज होगा टूटने से पहले। तो वैसा मटेरियल का एग्जांपल माइल्ड स्टील है एक, तो उसमें जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। जब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, तो ये जो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तरह से हम लोग को मिला था, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट का अलग अलग नाम था। एक था हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट और फिर ब्रेकिंग। और यहाँ पे एक और फिर उसके बाद हम लोग ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेन डायग्राम पर रहते, तो वहां पे अलग अलग पॉइंट नहीं होता, एक अल्टीमेट पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट और उसके बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, सीधा सा इसका स्ट्रेन डायग्राम था। तो वहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अलग अलग डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के अलग अलग डिफाइन करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जो मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लेते हैं वो क्या है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, क्योंकि अगर डक्टाइल मटेरियल है और वो अगर इलॉन्गेशन या फिर उसमें चेंज इन डायमेंशन अगर स्टार्ट हो जाएगा तो वो सभी जगह जो है तो वो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि जो पहले का हमारा जहां प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद जो है तो इसमें क्या होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को भी एक फेल्योर ही माना जाता है, क्योंकि चेंज इन शेप एंड साइज अगर कंपोनेंट में होने लगेगा तो वो क्या है वो भी भले ही टूटे नहीं लेकिन उसका शेप एंड साइज अगर चेंज होने लगे, डायमेंशन अगर चेंज होने लगे तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा हमारे लिए, तो वो भी एक तरह से फेल्योर ही माना जाता है। तो इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल का को डिफाइन करते हैं तो ऊपर में जो है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को रखते हैं, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को रखते हैं और नीचे में जो है वर्किंग स्ट्रेस को रखते हैं। अब आपके आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो डक्टाइल मटेरियल का ऊपर में यील्ड पॉइंट स्ट्रेस क्यों रखते हैं, क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, चेंज इन डायमेंशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो डायमेंशन जैसे कि आपका माइल्ड स्टील से उसका टर्बाइन का ब्लेड बना हुआ है और टर्बाइन का ब्लेड जिस
केजिंग में रोटेट कर रहा है, तो ब्लेड अगर बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, तो उसका कोई काम का, भले ही वो टूटे नहीं लेकिन उसका अगर साइज अगर बढ़ जाए तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह से और भी सेट वगैरह का भी अगर साइज अगर चेंज हो जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अल्टीमेट नहीं लेते हैं, अल्टीमेट पॉइंट अल्टीमेट से सुपर में नहीं लेते हैं, वो क्या लेते हैं एलिफेंट, क्योंकि इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये डक्टाइल मटेरियल का है। इसी तरह से बीटल मटेरियल में अगर हम देखिएगा, तो बीटल मटेरियल में का जो स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम रहता है वो बहुत सिंपल रहता है। वो एक मैक्सिमम स्ट्रेस होगा जिसको हम लोग अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में है वो अल्टीमेट ऊपर, अल्टीमेट स्ट्रेस ऊपर में, और डिजाइन और वर्किंग स्ट्रेस जिस पे वो जिस स्ट्रेस पे वो डेली में या फिर उसको वर्क करना है उस कंपोनेंट को, उसको हम लोग नीचे रखें। बीटल मटेरियल का जो एग्जांपल हो गया वो एक कास्ट आयरन किया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है कि कौन कौन से फैक्टर है जो किसी भी मशीन एलिमेंट्स को जब हम डिजाइन करते हैं तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखना है, ये किस कौन कौन सा चीज डिसाइड करता है या किस किस चीज पर निर्भर करता है या क्या कंसीडर किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रखने के टाइम में किसी भी मशीन का जब एलिमेंट का डिजाइन करते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन के मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका क्या प्रॉपर्टीज, क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और वो जब मशीन एलिमेंट बन के तैयार हो जाएगा तब उसमें उसके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेज है, यानी कि जैसे डक्टिलिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गया, टफनेस हो गया, रेजिलेंस हो गया, या जितना भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है आपका, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका क्या है, सबसे पहला बात उसका नॉलेज होना। और जब हम लोग बना रहे होते हैं तब क्या उसका प्रॉपर्टी है, और जब वो वर्क करने लगेगा यानी कि मशीन जब वर्क करने लगेगा तो वर्किंग कंडीशन के कारण उस प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं या होते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, टाइप्स ऑफ लोड, वेदर इट इज ग्रेजुअल और सडन, मतलब जो ऑपरेशन के दौरान या फिर जो उसपे जो मैन्युफैक्चर होकर के कंपोनेंट हमारा बनने वाला है उस पे क्या क्या लोड जो है वो लग सकता है। तो वो स्टैटिक लोड भी हो सकता है, स्टैटिक लोड रहेगा और ग्रेजुअल लोड है या सडन लोड है, मतलब मशीन ऐसा भी ऑपरेशन के दौरान कोई सडन लोड भी लग सकता है। तो सडन लोड के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो अलग होगा, ग्रेजुअल लोड के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाएगा वो अलग रखा जाएगा, आगे हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो क्या लोड जो है, लोड का क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट देखिए इनिशियल स्ट्रेस सेटअप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इनिशियल स्ट्रेस जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि उस पर इनिशियल स्ट्रेस जो कंपोनेंट बन करके तैयार हुआ है, कोई अगर मान के चले कास्टिंग से आया हुआ है तो कास्टिंग में भी कास्टिंग में कुछ इनिशियल स्ट्रेसेस हो जाता है जिसको स्ट्रेस रिलीफिंग प्रोसेस से भी हम लोग गुजारते हैं। तो जो है सो क्या स्ट्रेस, इनिशियल स्ट्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो है सो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में डेवलप्ड हुआ उस पे भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए द लोकलाइज स्ट्रेस और स्ट्रेस कंसंट्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आप ऐसा समझिए कि कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर चेंज हो रहा है या फिर किसी फॉर्म में चेंज होने के कारण जो पूरे ऑब्जेक्ट में जितना स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे कुछ जहां पे जो लोकलाइज स्ट्रेस रहेगा या जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वहां पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे मटेरियल में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से अलग होगा। तो और वो कहाँ कहाँ हो सकता है लोकलाइज स्ट्रेस, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो लोकलाइज स्ट्रेस का क्या क्या पॉइंट है उस मशीन एलिमेंट्स में जो बन करके तैयार हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि अभी किस हद तक जो है सो वो जो भी कंपोनेंट फेल हुआ है वो पूरा कंप्लीटली फेल हो गया है कि मतलब कोई यूज का नहीं है, तो कोई यूज का नहीं है या फिर उसको फिर सही किया जा सकता है कुछ उसका एलिमेंट्स को चेंज करके, या तो ये सब बातें मतलब उसी को हम लोग कहते हैं एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, उसको कहते हैं मतलब किस हद तक जो है तो उसका लाइफ खत्म हो चुका है तो उस पे। और अगर फेल्योर होता है वो एक्सटेंड लॉस ऑफ लाइफ मतलब फेल्योर है,
फेल्योर हो रहा है तो उसका लाइफ कहाँ तक खत्म हुआ है, किस हद तक खत्म हुआ है, इस पर भी डिपेंड करेगा डिजाइन के समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कितना रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि फेल्योर मोड ऑफ फेल्योर का प्रतिनिधि होना, मतलब अगर बेसिकली हमें पता चल जाए ये कंपोनेंट अगर हम बना रहे हैं और इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो फेल होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो इस वजह से है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग फेल्योर का जो है कारण हो सकता है। फेल्योर ऑफ फेल्योर का जो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता चल जाए कि प्रोबेबिलिटी इसमें क्या किसका ज्यादा रहता है फेल होने का, तो उससे भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रखने में हमको मदद मिलेगा या फिर इसको कंसिडर करेंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है कि जो हम लोग कोई भी कंपोनेंट जब एक मॉडल तैयार करते हैं, प्रोटोटाइप जब तैयार करते हैं तो उसका टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग होता है एक्चुअल टेस्टिंग में और जो एक्चुअल ऑपरेशन में जो आपका रिजल्ट है, टेस्टिंग का रिजल्ट एक्चुअल जो वर्किंग का रिजल्ट है उसमें क्या क्या जो है सो समानता है, कहाँ तक जो है सो टेस्ट का रिजल्ट जो है सो एक्चुअल ऑपरेशन से मिलता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिलेक्शन। तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं जिस पे डिपेंड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिलेक्शन। जब भी हम किसी मशीन के एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखना है, तो ये इन्हीं पॉइंट्स पे जो है वो डिपेंड करता है, वो इन्हीं पॉइंट्स पे डिपेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल अलग अलग चेंज हुआ है, कास्ट आयरन जो कि एक डक्टाइल मटेरियल है, स्टील है और ये एलॉयज है, तीन टाइप का मटेरियल यूज किए हैं। लोडिंग अलग अलग हो रहा है, एक में स्टडी लोड हो रहा है यानी समय के साथ जो है लोड चेंज नहीं हो रहा है, लाइव लोड है, और एक शॉक लोड, शॉक लोड हो गया सडन लोड, अचानक से लोड लग रहा है तब, अचानक से मशीन एलिमेंट पे लोड लगेगा तब। ये आप ऐसे समझिए कि स्टडी सिर्फ जो मशीन कंपोनेंट बना रहे हैं वो कास्ट आयरन का बना रहे हैं और उस पर सिर्फ स्टडी लोड लग रहा है, तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रखेंगे वो 5-6 रखेंगे। लाइव लोड अगर लगेगा तो 8-12 रखेंगे। वहीं अगर उस पर सडन लोड भी एक्ट हो सकता है, कास्ट आयरन का मशीन कंपोनेंट बनाएंगे तो 16-20 उसमें हम लोग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। उसी तरह से स्टील का अगर हम लोग देखेंगे तो स्टडी लोड अगर सिर्फ स्टडी लोड रहेगा तो उस कंपोनेंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, लाइव लोड 8 और शॉक लोड 15 हो गया। उसी तरह से एलवाइज को अगर देखिएगा तो एलवाइज का स्टडी लोड सिर्फ है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 देखेंगे, लाइव लोड में 9 रखेंगे और शॉक लोड अगर लग रहा है, शॉक लोड अगर लग सकता है उस मशीन के कंपोनेंट पे जो एलवाइज से बना हुआ है तो उस पे जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमको 15 रखना पड़ेगा। तो एक चीज आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख रहे हैं वो सडन लोडिंग में, अचानक से अगर कोई बीच में अगर लोडिंग लग सकता है मशीन कंपोनेंट पे तो वहां पे रिस्क ज्यादा है फेल होने का, तो वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है तो उस मशीन कंपोनेंट का और अधिक रहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है बढ़ते जा रहा है, रिस्क कम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम, मटेरियल के चेंज होने से फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्या होते जा रहा है चेंज होते जा रहा है। तो जो आप पढ़े हैं कि ये सब चीज कंसिडर किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक पढ़े थे ना मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग रखा है, लोड चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है तो चेंज होते जा रहा है। तो यही सब पॉइंट जो है जो कि हम कंसिडर किए हैं उसी का जो है सो ये एग्जाम्पल, इसको भी आप लोग जो है तो नोट डाउन करो।